एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों के साथ टहलते हुए श्री राम जी से महात्मा भरत ने पूछा कि भैया जी, मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि माता कैकई ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक ओर राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकई को दंड क्यों नहीं दिया? इसके बाद राम जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर बोले कि जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र अगर जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस मां ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे भला दंड कैसे दिया जा सकता है? राम जी की बात सुनकर भरत संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने राम से कहा कि भैया जी, यह तो मोह माया है और राजा का दंड विधान मोह से युक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह सवाल आपका अनुज नहीं बल्कि अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। उनकी बात सुनकर राम जी गंभीर हो गए। कुछ क्षण के लिए मौन रहे, उसके बाद राम जी ने कहा कि अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। माता कैकई ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकई हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी मैं उस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाए। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर मैं कभी प्रसन्न ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। तो कैकई जी को बिना दंड मिले उनका जीवन इतना बुरा रहा कि उन्हें पूरे जीवन में प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला।